का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 12 संस्कृत का पेपर, जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, उस पर चर्चा करते हैं। तो समय है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 100 का है। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। तो ये नोट है, निर्देश है। तो पहला क्वेश्चन है 2×5 यानी 10 नंबर का। तो निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो जी, एक गद्य दिया है, तो क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? पुस्तक का नाम लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा सखी कादंबरी, तो ये रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। और भारतीय में कौन सी विभक्ति है? आत्मज्ञेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये लिखना है। अथवा अथवा में एक पैसेज दिया है, ये भी देखो है, यहाँ से भी कर सकते हो तुम लोग। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अपनी पाठ पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में क्या लिखना है? चरित्र चित्रण 100 शब्द में। 4 नंबर का है, महाश्वेता या चंडा चंदा पीठ, तो इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में क्या करना है? विवेचना। तो आप लोग हिंदी में कर सकते हो। 4 नंबर का जी भी है। चौथा क्वेश्चन है बहुविकल्पी टाइप के हैं। तो देखो चौथा का आ और चौथा मतलब दो होंगे एक एक नंबर के। और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो निम्नलिखित एक श्लोक में संदर्भ क्या रखना है? संदर्भ से व्याख्या करनी है इसकी। एक श्लोक आएगा, एक दो में से एक के, दोनों 5, 7, 7 नंबर का है, आ या बा में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां, ये भी 7 नंबर का है। एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में क्या करना है? व्याख्या, यहाँ हिंदी व्याख्या करनी थी, यहाँ संस्कृत में व्याख्या करनी है। इसके बाद 100 शब्द में कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालना 7वां क्वेश्चन है। 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी है, तो ये सही होगा दिलीप इसका। इसके बाद आ है, मतलब दो बहुविकल्पी आएंगे एक एक नंबर के। इसके बाद बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, एक अंश की हिंदी में क्या करना है? संदर्भ से व्याख्या करना है, दो में से एक की। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सूक्ति की संदर्भ से हिंदी में व्याख्या, 3 में से 1 की करना है, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास का जीवन परिचय 100 शब्द में लिखना है, 4 नंबर का है। 12वां क्वेश्चन के 2 विकल्प हैं, तो एक एक नंबर के दोनों हैं, बहुत सिंपल हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषय पर 10 पंक्तियों का संस्कृत में लिखना है अनुवाद, संस्कृत में। तो ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, कोई भी लिख सकते हो, पर्यावरण पर लिख सकते हो आराम से। 14वां क्वेश्चन, रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत, या तो हिंदी में लिख सकते हो या संस्कृत में। उपमा अलंकार की या हिंदी व संस्कृत में लिख सकते हो, उसमें अथवा में दिया है। इसके बाद 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, क्या करना है? अनुवाद 4। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, 16वें का आ रेखांकित पदों में से एक में नियम निर्देश का उल्लेख क्या करना है? उल्लेख करना है इनमें संस्कृत के जो नियम है। अब इसमें कौन सी विभक्ति है? हरे रोचते में व्यक्ति कौन सी है? एक एक नंबर की है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से एक का समास विक्रय करना है, पंचवटी रामकृष्ण, पंचवटी में क्या है? दुगु, राम और कृष्ण में द्वंद, यथाशक्ति में प्रयोग कौन सा समास है? तो अव्यभाव होगा इसमें। तो इस प्रकार से सिंपल से समास आते हैं, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, संधि क्या है? संधि विधायक सूत्र लिखना है सज्जन का है, और सचित्र का संधि विच्छेद 2, 1 नंबर का है, 3 नंबर का ये संधि है। 19वां क्वेश्चन है, विभक्ति लिखना बारी की विभक्ति वचन, यहाँ भी विभक्ति वचन 2, 1 नंबर की। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, क्या है? नयामी क्रियापद का पुरुष और वचन लिखना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय लिखना है, इसका प्रत्यय भू धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा?
एक नंबर के हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, अधोलिखित वाक्यों में से एक का वाच्य प्रवचन करना है। क्या करना है? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, तो यहाँ क्या करना है, वाच्य प्रवर्तन करना है। 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आएगा 100 नंबर का। तो इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो बस उनको पढ़ के जाइए और पूरा पेपर भेजेगा इसी से। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।